पुलवामा में हुए आतंकी हमले में शहीद जबलपुर के जाबाज अश्वनी के घर में मातम पसरा गया है। जिस घर में जवान बेटे की शादी की चर्चाएं चल रही हो, वहीं उसकी मौत की खबर ने न सिर्फ परिवार वालों को बल्कि पूरे गांव को स्तब्ध कर दिया है। वहीं मां कौशल्या को अब भी यकीन नहीं हो रहा कि उनका लाडला और सबसे छोटा बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। आतंकी हमले में शहादत की खबर मिलते ही पूरा गांव गमगीन हो गया। वहीं गम में डूबा परिवार सरकार से सख्त कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें, करीब 3000 की आबादी वाले खुड़ावल गांव में अधिकांश नौजवान सेना में हैं। वहीं साल 2015 में कुपवाड़ा में हुए हमले में 32 साल के रामेश्वर पटेल भी शहीद हुए थे। शहीद हुए अश्वनी के गांव हम खुड़ावल में खड़े हुए, जहां पर शहादत दिए हुए आतंकवादियों के हमले में उनके घर पर आए हुए, और हम उनके पिताजी जानते कितना परिवार के ऊपर दुख है जी। आपको कैसे सूचना लगी और ये कब पता चला? तो ऐसे सूचना लगी साहब हमको, ये तो फोन मोबाइल वाला जाने कहां से बोल रहा है, लेकिन उसने कहा था हम लखनऊ से बोल रहे हैं कि अश्वनी के भाई से, ये बात मेरे से इनसे कि हम लखनऊ से बोल रहे हैं, तो इनने कहा हाँ हम फलाने के भाई हैं, और इसके बाद वो चुना गया कुछ नहीं बोला। तो हमने फिर भैया छोटे संदे वाले बच्चे से फ़ोन लगवाया, हमने कहा उसको फ़ोन लगाओ कि आपको नंबर कहाँ से मिला और आप इतनी बात करके क्यों रुक गए। तो उसको फ़ोन लगवाए तो बोला कि हम हाँ हम फ़ोन लगाए हैं और वो हमारा दोस्त है, हम उसी में रहे हैं, हम छुट्टी पे आए हैं, तो हम फ़ोन लगा के पूछते हैं उससे अब कि तुम कहाँ हो, कैसा है, क्या है। इसके बाद उसने फ़ोन नहीं लगाया, तो हमने कहा अरे कोई कारण है, समझ गए हम इसी प्रकार एक दो जगह भट के फिर माँ किसी और का मोबाइल लग जाए, हमको कोई मौके पर नहीं मिला। फिर आए हम तो हमने कहा यार जरा टीवी तो चालू कर, क्या कैसा कुछ में चल रहा है, तो चालू करें तो उसमें कुछ समझ नहीं आया कि विस्फोटक हो गया है, जनता बहुत मारी गई, लेकिन हमारी ये सुनी है कि कौन कौन है लेकिन आने की हाथ मारे गए। इसके बाद फिर अपने हमने कहा चलो पड़ोस बेटा सब ऐसे ही आए, अगर मोबाइल था उसके माने एक बार घंटी गई उसके मोबाइल में, तो हमने कहा ये मोबाइल ये रहा, जब शुरू तुमने घंटी किया तो घंटी तो गई, तो अगर उसकी कोई क्षति हुई होती तो मोबाइल भी नष्ट हो जाता, तो ठीक है चिंता मत करो सो जाओ। तो पढ़ने के लिए गए, इसके बाद एक फोन आ गया, बोले हम अश्वनी के पिता से बात करना चाहते हैं। तो आए यहाँ हम आए तो बोले बच्चा ने कहा कि देखो पिताजी बात करो, हमने बात किया, वो बोले आप कौन हैं, मैंने कहा अश्वनी का पिता हूँ, बोले ठीक है आपके दादाजी आपके अश्वनी दुनिया में नहीं रहे, उठ गए। हाँ सरकार से यही चाहते हैं कि अगर सरकार ने सही न्याय दिशा पे चलती है तो उसका तात्पर्य सही निकलना चाहिए, एक खून के बजाय 10 खून जब वो दे करे तो संतोष जाए आत्मा भी, ठीक है भाई देश कुछ किया। हमारे साथ उनके भाई भी हैं जिनको सबसे पहले सूचना मिली कि जो शहादत की सूचना मिली, आपको किस प्रकार से सूचना मिली? मैं शिवरा में था, मेरे मोबाइल में अज्ञात फोन आया, उसमें भाई साहब ने बोला मैं लखनऊ से अश्वनी का फ्रेंड बोल रहा हूँ, तो मेरे को अश्वनी से बात करनी है। तो मैंने बोला सर आप कौन, तो बोलते हैं मैं उन्हीं का फ्रेंड हूँ। फिर इसके बाद में वो बोले कि उनसे बात करनी है, तो मैंने बोला उनके नंबर पर कॉल करें आप, उनका नंबर होगा आपके पास, इतनी बात करके वो काट देते हैं। और इसके बाद जब उन्होंने कोई बात नहीं किया मेरे से तो मेरे दिल में संदेह हुआ, तो मैंने भी फ़ोन लगाना चालू किया अपने भाई को, बराबर घंटियां गई, मेरे में कोई जवाब नहीं मिला। चाहते हैं आप किस प्रकार से कार्रवाई आतंकवादी को? अगर सरकार अपने बच्चे पाली है तो उन बच्चों का ख्याल, खून की कीमत अगर रखना चाहती है तो उनकी रक्षा करे, उनका ख्याल करे, उनको खून की कीमत अदा करे सरकार। अगर उनके बच्चों के खून गए हैं, जान गई है, तो चाहे अगर सरकार तो उनकी जान के बदले में ऐसा कदम उठाए कि ऐसा ना हो मौका दोबारा आए। हमारे साथ उनके मित्र भी हैं जो साथ में ही पढ़े बने हैं, क्या कहना चाहिए? ये केवल एक गांव के लिए बुरा नहीं हुआ है, ये मतलब देश के लिए बुरा हुआ है, इसका बदला तो बहुत खतरनाक तरीके से लेना चाहिए ना।
पाकिस्तान अपनी आदत नहीं छोड़ रहा, तो उसको कुछ अच्छे तरीके से समझाना चाहिए, उसका तो मतलब बहुत बुरे तरीके से हाल करना चाहिए, ताकि कोई और दुश्मन अपने साइड ऐसा ना कर सके। अश्वनी प्रसाद बहुत अच्छा आदमी थे। जिस प्रकार से इस गांव में अभी तक 400 हादसे हो चुकी है, और खुड़ाबल जो गांव है यहाँ 80% जो युवा हैं वो आर्मी या CRPF अपने हैं, और उनका यही कहना है कि जिस प्रकार से ये शहीद हुए हैं हमारे अश्विनी जी, उनका बदला जल्द से जल्द दिया जाए, किसी भी तरीके से सरकार इन आतंकवादियों को सबक सिखाए। कैमरामैन महावीर के साथ दिनेश चौधरी, DNN न्यूज़ जबलपुर।